तो जिस भी चीज का आप पांच इंद्रियों के माध्यम से बोध नहीं पा सकते, अगर आप उसका बोध पाते हैं तो उसे कहते हैं विशेष ज्ञान या असाधारण ज्ञान। ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है अगर आप बेजान चीजों की भाषा जानते हो तो, कि हर रूप की बनावट कैसी है। जैसे जैसे जीवन चलाने की चिंताएं कम होती जाएंगी, इंसान स्वाभाविक रूप से विकसित होकर ऊंची चीजों का बोध पाने लगेंगे। योगिक सिस्टम में इंसानी मशीन को ऐसे देखते हैं, इसके पांच आयाम हैं, ये पांच परतें हैं, आमतौर पर इन्हें कहते हैं कोश, इन्हें खोल भी कहते हैं, कोश यानी एक के अंदर एक। पहला है भौतिक शरीर, जिसे भोजन शरीर कहा गया है, क्योंकि ये मुख्य रूप से भोजन का ढेर है जो हमने समय के साथ इकट्ठा किया है। अगले का नाम है मानसिक शरीर, क्योंकि हम शरीर की हर कोशिका से बुद्धिमानी जोड़ते हैं। There is more memory and intelligence in each molecule of DNA. DNA के हर अणु में उससे ज्यादा याददाश्त और बुद्धिमानी है जितनी आप अपने दिमाग से समझ सकते हैं। तीसरी परत है ऊर्जा शरीर, इसके तीन बुनियादी आयाम हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहले दो का ही अनुभव करते हैं, बायां और दायां, जिसमें 36,000 दाईं ओर और 36,000 बाईं ओर मार्ग या चैनल हैं, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है, और जो 114 अलग अलग मुख्य बिंदुओं पर मिलती है, और इन बिंदुओं को संभावनाओं के रूप में देखा जाता है। तो योग विद्या से इन 114 के भूगोल को या शरीर की ऊर्जा की बनावट को पहचाना गया है कि आप इस बनावट का इस्तेमाल करके इंसानी मशीन की सीमाओं से परे कैसे जा सकते हैं। चौथी परत का नाम है विज्ञानमय कोश। विज्ञान शब्द का मतलब है, ये दो शब्दों से बना है, विशेष ज्ञान, ज्ञान मतलब जानना या जानकारी, विशेष मतलब जानने का असाधारण तरीका। तो जिस भी चीज का आप पांच इंद्रियों के माध्यम से बोध नहीं पा सकते, अगर आप उसका बोध पाते हैं तो उसे कहते हैं विशेष ज्ञान या असाधारण ज्ञान। तो हम एक परिवर्तनशील आयाम की बात कर रहे हैं जो भौतिक से अभौतिक की ओर जा रहा है। तो पांचवा आयाम, इसे अमेरिका की नई पीढ़ी एथरिक शरीर कहती है। ये सही वर्णन नहीं है, ये एक परिवर्तनशील अवस्था है जिसमें भौतिक धुंधला होकर अभौतिक प्रकृति बन रहा है। पांचवें आयाम को आनंदमय कोश कहते हैं, जिसका अर्थ है आनंद शरीर। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर आनंद का एक गुब्बारा है, इसकी प्रकृति पूरी तरह से अभौतिक है। क्योंकि यह अभौतिक है इसलिए हम नहीं जानते कि इसकी परिभाषा या व्याख्या कैसे करें, इसकी कोई परिभाषा या व्याख्या नहीं है, हम सिर्फ अपने अनुभव से उसके बारे में बताते हैं। जब भी हम उसे छूते हैं हम आनंदित हो जाते हैं, तो बच्चों की तरह हम इसे आनंद शरीर कहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसकी प्रकृति क्या है, और इसकी प्रकृति भौतिक नहीं है तो हम इसे शब्दों या व्याख्याओं आदि की परिभाषा नहीं दे सकते। इस आयाम में जाना ही योग की पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि इस अभौतिक आयाम को हमारे अनुभव के आधार पर आगे और भी श्रेणियां दी गई हैं कि आप उसमें कितनी गहराई से शामिल हैं। कहा जाता है आप इस अभौतिक की बौछार के एक महीन छिड़काव में रह सकते हैं, तब आप कैसे होंगे वैसा, या आप इसमें भीग सकते हैं तब आप कैसे होंगे वैसा, या आप इसमें खुद को डुबो सकते हैं तब आप कैसे होंगे वैसा, इस तरह इसकी व्याख्या की जाती है। इस संदर्भ में यहां मुझे अपना तर्क थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, I have to surrender my logic a little bit. क्योंकि मेरा तर्क उतनी ही दूर जा सकता है। मेरा मतलब है कि इन्हें स्थिरता के अलग अलग आयाम कहा जाता है। स्थिरता के अलग अलग आयाम कैसे हो सकते हैं? उदाहरण के लिए हमारे अनुभव में आमतौर पर एक इंसान एक मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है। सांस का इससे सीधा संबंध है कि मानसिक उतार चढ़ाव कैसे हैं। पता नहीं विज्ञान ने यह खोजा है या नहीं, पर हमारे अनुभव में बिल्कुल मौजूद है। मान लीजिए स्वाभाविक रूप से, जबरदस्ती नहीं,
आपके सिस्टम से सही चीजें करके अगर आपकी सांसें 11 से नीचे आ जाती हैं, तो आप अपने आसपास के कई कंपन समझना शुरू कर देते हैं। यानी शब्दों की गति से कम गति की आवाजें जो जानवर निकालते हैं वो आपके लिए स्पष्ट हो जाती हैं। जब आपकी सांसें 9 से कम हो जाती हैं स्वाभाविक रूप से बिना किसी कंट्रोल के, तो पेड़ जो फैला रहे हैं, वनस्पतियां जो कर रही हैं, वो आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाता है। अगर आपकी सांसें 6 से कम हो जाती हैं, तो बेजान चीजें कैसे कंपन कर रही हैं, इसे रितंबरा प्रज्ञ कहते हैं। दिस इज नोन एज रितंबरा प्रज्ञ, यानी हर रूप के कंपन और उससे जुड़ी ध्वनियां आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है। अगर आप बेजान चीजों की भाषा जानते हो तो, कि हर रूप की बनावट कैसी है, उसकी प्रकृति क्या है, वो अभी क्या है, वो आगे जाकर क्या बनेगा, या वो कल क्या था और आज क्या बन गया है, ये सभी चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे जीवन चलाने की चिंताएं कम हो जाएंगी, इंसान स्वाभाविक रूप से ऊंची चीजों का बोध पाने लगेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है स्थिर विद्युत का स्तर, क्योंकि ब्रेथ इज अ सर्वाइवल प्रोसेस, इफ यू सिट स्टिल इट गोज डाउन। सांसें जीवन चलाने की प्रक्रिया है, अगर आप स्थिर बैठते हैं तो सांसें कम हो जाती हैं। आपका शरीर जितना स्थिर होता जाएगा आप उतनी ही सांसें कम लेंगे। अगर आप अपने पूरे सिस्टम को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले आए और बहुत तेजी से सांसें न ले रहे हों, तो आपका बोध बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे स्थिरता गहरी होती है, इसे पारंपरिक रूप से कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसे आमतौर पर रुद्र, हरा और सदाशिव कहा जाता है। पहले स्थिर हैं, पर उनमें कंपन है, वे गरज रहे हैं। दूसरे स्थिर हैं, लेकिन वे कार्यों में स्थिर हैं। तीसरे बिल्कुल स्थिर हैं। वे जो बिल्कुल स्थिर हैं, हमेशा उन्हें परम बुद्धि माना जाता है। बाकी की हर चीज सक्रिय होने की चिंता में अपनी बुद्धि खो रही है एक निश्चित स्तर पर सक्रिय होने के लिए, लेकिन वो जो बिल्कुल स्थिर है उसे सबसे ऊंची बुद्धि माना जाता है। सिर्फ पूर्वी रहस्यवाद में ही सृष्टि के स्रोत को हमेशा सबसे ऊंची बुद्धि माना जाता है। यह सबसे बड़ी गलती है जो मेरे ख्याल से आधुनिक समाजों ने की है। लोगों को कहा गया कि भगवान करुणा है, भगवान प्रेम है, भगवान उदारता है। ये चीजें आपके लिए तभी मायने रखती हैं जब आपके पास ये नहीं होती। अगर आपको कोई प्यार नहीं करता, आप ऊपर देखते हैं, भगवान को आपको प्यार करना चाहिए। अगर आपका पेट भरा नहीं है तो आपको उदार भगवान की जरूरत है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आपको करुणामय भगवान चाहिए। लेकिन अगर आप कोई धारणाएं न बनाएं, अगर आप बस एक घास की पत्ती को देखें, एक फूल को देखें, एक परमाणु की बनावट को देखें, तो एक चीज है कि सृष्टि का स्रोत वो सबसे ऊंची बुद्धि है जो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। अगर आप सृष्टि को देखें तो ये पूरी सृष्टि बुद्धि से भरी हुई है। अगर हम लोगों को बस ये कहते कि भगवान बुद्धि है, तो हमारे पास एक ज्यादा समझदार दुनिया होती। यही मेरी सोच है और यही मैं लोगों के अनुभव में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि सृष्टि का स्रोत खुद बुद्धि है। अगर आप ये पहचाने तो आप वैसा बनने की कोशिश करेंगे।